हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन गेम गॉड ऑफ वॉर। इसी की हम एक सीरीज खेल रहे हैं, गॉड ऑफ वॉर 4। इस गेम को हमने हिंदी में डब करवाया है आपके लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, इस गेम को हमने हिंदी में डब किया है आपके लिए कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि काफ़ी हमारे फैंस की डिमांड थी कि इस गेम को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, जिससे इस गेम का वो हिंदी मूवी की तरह एक मजा ले सकें। और हम भी चाहेंगे इस गेम में ज़्यादा हम कमेंट्री ना करें, जिससे आप इस गेम का पूरी तरह से मजा लें। कुछ मिला? बोट में बैठो बच्चे। आप कहें तो मैं इसे बोट से बांध दूं। इतना काफी है। पापा, क्या कुछ बदल गया? क्या जंगल अब अलग लग रहा है? बहुत कुछ बदल गया है बच्चे, कोशिश करो ध्यान ना भटके। ठीक है।
यह आखिरी पेड़ था। वहां मुझे अपनी मां नजर आती है, वहां मुझे अपने पिता नजर आते हैं, गॉड क्या वहां वो मुझे याद करते हैं? गॉड क्या वहां वो मुझे याद करते हैं? गॉड क्या वहां वो मुझे याद करते हैं? क्या वहां वो मुझे याद करते हैं? क्या वहां वो मुझे याद करते हैं? वो तैयार है। रास्ता ढूंढो, अब तुम आजाद हो। मुझे माफ कीजिए, दबाओ। ये चाकू उसका था, अब ये तुम्हारा है। उसने तुम्हें शिकार करना सिखाया था। उन्हें आता था। दिखाओ मुझे। अभी? हाँ अभी। हम किसका शिकार करेंगे? तुम हिरण का शिकार करोगे। किस दिशा में? जिस दिशा में हिरण हो। ठीक है, इस तरफ। पापा, हम ये अभी क्यों कर रहे हैं? मुझे देखना है क्या तुम सफर तय कर पाओगे। तो हम पहाड़ की तरफ चलें? ये तुम पर निर्भर है। शिकार करो, क्या मिला तुम्हें? निशान, लेकिन हिरन की नहीं है। मैं देख रहा हूं।
कुछ और निशान? हाँ, लेकिन ये बहुत गोल हैं। जंगली सुअर के हो सकते हैं। बहुत अच्छे। ओ, अब क्या करें? इस तरफ बच्चे। ओ, रुकिए, हिरन के निशान, वो भी ताजा हैं। इस तरफ। आराम से। माफ कीजिएगा। तुम्हें हिरन का शिकार करना है, उसका पीछा नहीं। ठीक है पापा। इसने हमारा पुल तोड़ दिया, अब हम कैसे पार करेंगे? पीछे हटो। वाह। जाओ। ओ, यहाँ पर क्या है? रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? अब वो चौकन्ना हो गया। वार सिर्फ तब करो जब मैं वार करने को कहूं। मुझे अफसोस है। अफसोस मत करो, बेहतर बनो, ढूंढो उसे। ढूंढो उसे। मेरा कमान। नहीं, तुम अभी तैयार नहीं, पीछे हटो। इससे पहले मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। आगे बढ़ो। ऊपर देखिए, वो पुराने मंदिर में चला गया है। माँ ने अंदर जाने से मना किया था। हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे बच्चे, कोई बहाने नहीं। आइए। क्या अब आप मुझे कमान वापस करेंगे? क्या तुम उसे यहां से मार सकते हो? हमें करीब जाना होगा। मैं कई बार माँ के साथ शिकार करने जा चुका हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं ले जाना चाहा। फिर अब क्यों? ये उसकी ख्वाहिश थी और अब वक्त आ चुका है। ठीक है। इसे खोलने का कोई तो तरीका होगा। ये खुल
खुल गया। आपने इसे जमा दिया, होशियार हैं आप। तो अच्छा है, पापा मेरे इशारे का इंतजार करना, आराम से, इसे जानवर मत समझो, ये सिर्फ एक निशाना है, अपना दिमाग खाली करो। मैंने कर दिखाया। बढ़िया। ये अभी भी जिंदा है। तुम्हारा चाकू। नहीं, ये शिकार तुम्हारा है। मुझसे नहीं होगा। देखो बच्चे, मुझे देखो। हमने दिखाया। तुम तैयार नहीं हो क्या? आप सच कह रहे हैं? मैंने हिरन का शिकार किया,
मैंने खुद को साबित किया है। मैं कैसे तैयार नहीं हूँ? हम घर जा रहे हैं। मैं एक अरसे से बीमार नहीं पड़ा, मैं ये कर सकता हूँ। तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं तैयार हूँ। दोबारा बात मत करना। माँ के बगीचे को एक आग का गोला कैसे जला सकता है? और घर के इतने करीब कौन हो सकता है? वो कौन सी जमी हुई चीज थी जिसने हम पर हमला किया? मुझे नहीं पता। अब चुप रहो, हम घर पहुंच चुके हैं। अंदर जाओ बच्चे। सही नहीं है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तो बहुत गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने आपा खो दिया। वो चीज हमें मारने की कोशिश कर रही थी। आपको लड़ाई में गुस्सा तो आता है ना? क्रोध हथियार हो सकता है, अगर तुम उस पर काबू पा लो, उसका इस्तेमाल करो। जाहिर है तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तुमने मैं एक अरसे से बीमार नहीं पड़ा, अब मैं बेहतर हूँ। ठीक है तो फिर हो जाए। आप चाहते हैं कि मैं आपको मारूं? मैं चाहता हूं तुम कोशिश करो। आओ, ये आप दोबारा कोशिश करो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा था दोबारा कोशिश करो। रुकिए तो। कमजोर। फिर से रुक जाइए। तुम
गुस्सा तुम्हें डुबा सकता है। आगे का रास्ता मुश्किल है और तुम एट्रेस बिल्कुल तैयार नहीं हो। ये आवाज कैसी? खामोश। बाहर निकलो, अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम कौन हो। क्या चल रहा है, आप उसे जानते हैं? खास बात यह है कि मुझे पता है कि तुम क्या चीज हो। बच्चे, जमीन के नीचे अभी। पर आपने ही मुझे वहाँ नीचे जाने से मना किया था। वो कौन है? मुझे नहीं पता। वो किस बारे में बात कर रहा है? मैं नहीं जानता। अंदर जा। जो मैं जानना चाहता हूँ मुझे उतना बता दो। इसके लिए खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि तुम बहुत ताकतवर होगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। घर से बहुत दूर हो, है ना? क्या चाहते हो तुम? ओ, तो तुम इस बारे में पहले से ही जानते हो, है ना? तुम जो चाहते हो मेरे पास नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। और यहां मैंने सोच रखा था कि तुम्हारी तरह शक्तिशाली होना चाहिए, इतना ज्यादा कि हमसे बेहतर, हमसे ज्यादा होशियार। और फिर भी तुम यहां जंगल में छिप कर बैठे हुए हो, कायर की तरह। हाँ, मुझसे लड़ाई महंगी पड़ेगी। मुझे इस बात का यकीन था। मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा, समझ में आया तुम्हें? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। नहीं, 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 अब तुम्हारी खैर नहीं, मेरी बॉडी है। कितने अफसोस की बात है ये। चलो आओ। मारो मुझे। To try again. You. पेड़ सबके सब गिरा। ओ ओ ओ, नहीं 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 भाई, नहीं हो सकता है। Who is who are you afraid of? Fine, let's find out. यहाँ पर दो पलंग क्यों है? Oh!
दुखती रग पकड़ ली ना मैंने। तुम किसे छिपा रहे हो? कमजोर और बुढ़े, तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। फिर से कोशिश कर सकते हो। तुम बोलते बहुत हो। तो तुम नहीं बोलोगे, ठीक है। हो सकता है उस घर में तुमने जिस किसी को छिपाया हो उससे बोलना पड़े। जब ओडिन ने मुझे भेजा तो मुझे बस जवाब चाहिए था, लेकिन तुम में कितनी ज्यादा अकड़ है। जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ आता रहूंगा। इस बूढ़े शरीर को देना होगा तुम्हें इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म करूं। तुम एक चीज जान लो, इनमें से किसी चीज का असर मुझ पर नहीं होने वाला। अपनी आंखों से देख लिया, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये लड़ाई बेकार है, तुम्हारा पूरा संघर्ष बेकार है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम जीत नहीं सकते, और तुम सब कुछ महसूस करते हो, तुम कोशिश कर सकते हो। मैं अपना भी सगा नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे वो दिया होता जो मैं चाहता था, तो इस तरह से ये खत्म नहीं होता। समझ गए तुम? चलो कोई नहीं, इसे खत्म करते हैं। करते
तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। जानता था क्या वो मेरा अतीत भी जानता था? उन्होंने मुझे खोजा कैसे इतने समय के बाद? फे, मैं क्या करूं? हमारा बेटा तैयार नहीं है तुम्हारी राख को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हम यहां नहीं रह सकते। बच्चे, इतना कुछ हुआ, मैंने सोचा आप ठीक तो हैं। हाँ, मैं ठीक हूं। आजा, अपनी चीजें इकट्ठा करो, हम जा रहे हैं। पर आपने तो कहा मैं तैयार नहीं हूं। अभी नहीं हो, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। मुझे गलत साबित करो। ठीक है, पहाड़, ये एक लंबा सफर होगा। हाँ, लेकिन ये सफर जरूरी है। ये सब कैसे हुआ? कौन था वो? मुझे नहीं पता। पर वो यहाँ किस लिए आया जब यहाँ कुछ है ही नहीं? आपने क्या किया, उसे मार दिया? मैंने वही किया जो करना चाहिए था। आपको कुछ हो सकता था। अब से आप कभी अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है, आ जा। इस तरह किसी भी घटना से इंसान सुरक्षित रहता है, समझ गए ना आप? हमें जीने के लिए जो करना पड़े करना चाहिए। जानवर, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, वो खाना है। जॉगर, उन्हें खाना ना मिले तो उनका मरना तय है, लेकिन लोग, वो भी जीने की कोशिश करते हैं। अपना दिल मजबूत करो, हमारे इस सफर में हम पर कई अलग किस्म के जीव हमला करेंगे। उनके दर्द पर ध्यान मत देना, उनकी परवाह मत करना, उन पर तरस मत खाना, वो तुम पर तरस नहीं खाएंगे। पापा, हमें रास्ते में कोई मिल सकता है? हाँ। दोस्त? नहीं। कोई चोर लफंगे? हो सकता है। हाँ, देखिए सारा जंगल कैसे पेड़ों से सुरक्षित लग रहा है, लेकिन वहां पर कुछ कटा हुआ है।
क्या आपने उन्हें काटा है? तुम्हारी मां ने उसकी चिता के लिए पहले से ही पेड़ चुने थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? चलो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा? मुझे नहीं पता। सर्दियों से पहले? मुझे नहीं पता। ठीक है। अरे जानवर, मुझे हमला करना चाहिए। मेरे इशारे के लिए रुको। बच्चे बोलिए। आगे योटनार बसती है। योटनार? राक्षस। तुम्हें ये पढ़ना आता है? कुछ वही भाषाएं जो माँ को आती थी। सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मुझे इससे वो सब पता चल जाता है जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए। अब इसका क्या करें? जाओ। शुक्रिया। वो रही हमारी मंजिल, चलिए। अभी नहीं। ये अच्छा है, देखिए। पापा, पापा मदद कीजिए। पकड़े रहना। मैं फिसल रहा हूँ। पकड़े रहो, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। ये इतना भी बुरा नहीं था। जरा धीरज रखो, तुम्हारी जल्दबाजी महंगी पड़ेगी। माफ कीजिएगा। कई सारे ड्रैगन हैं, ये हिल नहीं रहे हैं। ये मरे हुए नहीं लग रहे, या फिर मर चुके हैं? बच्चे जिंदा है, ये जिंदा है। याद रख, सही निशाना जल्दबाजी नहीं। कुछ सुना आपने? वो क्या था? देखते हैं, मेरे साथ रहो। शायद चले गए। ओह शुक्र है। नहीं, तुम्हें नहीं पता, किसी को छूना मत। किसी ने हमला किया है, छूना मत। एक अरसा हुआ मांस खाए हुए। ये हमें खाएंगे? मेरे पीछे रहो।
तुम दूसरों को क्या समझाते हो? तुम्हें उन्हें जिंदा रखना है और इसके लिए हमसे मुकाबला करो, समझ गए? इन सब के लिए मैं अकेला काफी हूँ। Atreus! सफर है। यही रुकना, मैं इसे निपटा। वो वापस आ गए। ये लड़ाई खत्म हुई। अट्रेयस, वो जंजीर। जंजीर? ठीक है। तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। भूल जाओ उसे, वो तुम्हें मार देता। मैं जानता हूं मुझे उसे मारना ही था, बस समझ में नहीं आता कैसे। तो फिर हम घर जाएंगे बच्चे। क्या? अगर इतनी आसानी से हार मानोगे जबकि हम मंजिल के इतने करीब हैं। रुकिए एक मिनट, मैं हार नहीं मान रहा, ये मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है, मुझे बस हिम्मत दिखानी होगी। चलिए आइए, मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनो, अगर जंग जीतनी है तो योद्धा को अपने दुश्मन पर दया नहीं आनी चाहिए। इतनी लंबी लड़ाई के बाद हार नहीं मान सकते। ये सफर बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हें योद्धा बनना होगा। समझ गया। मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, अगर तुम चलोगे नहीं तो। चलो उठाओ। ये यही पसड़ कर बैठ गई है, इसे पुल पार करना भारी पड़ रहा है। उन पेड़ों पर कुछ है जिसकी वजह से वो डर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? पापा, आप अपनी कुल्हाड़ी पुल के पार उन पेड़ों पर मारिए, वो जो सफेद टहनी वाला है। हाँ,
सही थे। तुम बहुत होशियार बच्चे हो बेटा, तुम बड़ी काम की चीज हो। इसका नाम क्या है? यहाँ कोई खड़ूस मेरा नाम नहीं पूछता, इसीलिए मैंने भी इससे इसका नाम कभी नहीं पूछा। और आपका नाम क्या है? ब्रोंक। चलो दोस्त। क्या कहूं अभी, शायद तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो, लेकिन तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है ना, उसे मैंने ही बनाया था। मैंने और मेरे भाई ने, हम इसीलिए जाने जाते हैं, तो इस पर हमारे सिवा कोई काम नहीं करता था। इसे बनाने और ठीक करने में हम माहिर हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं। मैं चाहता हूं बेहतर होगा कि तुम मुझसे कुछ कहो। तुम देख क्या रहे हो? तुमने सही कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। चलो बच्चे। उसकी ग्रिप में किले के आकार में एक निशान सा बना है। अब मैं तुझे बताता हूं, तू चल तो सही। मेरे भाई और मेरे अलग होने से पहले हमारा एक ही ब्रांड था। आधा निशान मेरे पास है, तुम चाहो देख लो। देखो तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, इसे अपग्रेड करना है या नहीं? तो ठीक है, पर इसे पहले से बेहतर होना चाहिए। तो बाकी का आधा निशान कहाँ है? नहीं, मेरे छोटे भाई के पास है, लेकिन सारा हुनर मुझ में है। ब्रो, मैं खोल कर कहता हूं। तुम यहाँ वहां मत देखो, तुम्हारे दुश्मन पेड़ों के पीछे तुम्हारे इंतजार में छिपे हुए हैं। जाकर उनकी कुल्हाड़ियों को जवाब दो। क्या कोई मेरा भी वहां इंतजार कर रहा है? चलो और जीरो फोर ट्रिगर। देखा मैंने तुमसे क्या कहा था? ठीक ही है। तुम्हें पता उनमें से कोई नहीं बच सकता। तुम किस तरह बढ़ रहे हो? क्या तुम वहां जाना चाहते हो? यकीन से नहीं कह सकता। ये रास्ता पहाड़ की तरफ जाएगा। तुम्हें दाएं दिशा में जाना होगा। चलो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ब्रॉक। मैं तुम्हारे जानवर के लिए कोई नाम सोचूंगा। मेरा नाम बताकर तुम्हें क्या हासिल होगा? हे, तुम वो क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, मेरी बात मानो। तुमने उस लड़ाई में मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं जानता हूँ। लोगों की बात और है, लेकिन कोई भी दूसरी चीज है तो लड़ना होगा। जब तक मैं रुकने को ना कहूँ, वरना हम मारे जाएंगे। समझ गए? मेरी बात मानो वरना घर लौटेंगे। मैं समझ गया। तो ठीक है। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग बहुत मेहनत का काम है। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आगने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका मजा उठा सके। धन्यवाद।